मैं निवेदन करना चाहूंगा नरसाराम जी मेघवाल प्रदेश कोषाध्यक्ष बामसिप राजस्थान, आप आए और अपनी बात रखें। नमन नमन उन बहुजन समाज में जन्मे नायक नायिकाओं, नमन बाबा साहब को, नमन फूले जी को, जिनकी हम आज संयुक्त जन्म जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं। आभार भेड़ाना के ग्रामवासियों का, साथ उन बहुजन मूलवासी साथियों का जो आप लोग इतना शानदार जयंती के कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। साथियों, इस मंच के माध्यम से आज काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बोला कि हमारे साथ छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। कुछ लोग बोले कि यहाँ आकर अपना बोलना, भाईचारा खत्म हो रहा है। अगर भाईचारा खत्म हो रहा है तो भाईचारा खत्म कौन कर रहे हैं? भाईचारा खत्म कौन कर रहे हैं? हमें भाईचारा खत्म हो रहा है तो हम तो हमारे महापुरुषों में लिख के गए, हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और महापुरुष संविधान में लिख के गए समानता लिख के गए इक्वालिटी, तो हम तो उसको स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। हम समानता को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो रहा है। साथियों, बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे छोड़े हुए मिशन को आगे बढ़ाना। अधूरे छोड़े हुए मिशन की, बाबा साहब किस मिशन की बात कर रहे हैं? उस मिशन को हमें समझना होगा। साथियों, ज्योतिबा फूले के मिशन, क्रांति ज्योति के मिशन से लेकर 1848 की क्रांति से लेकर 1956 तक बहुजन महापुरुषों के जीवन बलिदान, त्याग, तपस्या की बदौलत हमें दंड विधान की बदले संविधान मिला। दंड विधान की बदले विधान बना हुआ था। पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अस्त्र शस्त्र चला नहीं सकते, रख नहीं सकते, पैसा रख नहीं सकते। अरे तो हम पैदा हो गए तो फिर क्या करें? करोगे ना कुछ? क्या करोगे? सवर्ण तीन वर्णों की सेवा करोगे। लिख रखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। सुबह से लेकर शाम तक तुम मजदूरी हमारे घरों में करोगे, लेकिन बदले में पैसे की इच्छा मत रखना। लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को ही हम कह रहे हैं। साथियों, मनुस्मृति में लिखा हुआ था, ब्राह्मण के मुख से जो शब्द निकलेगा वही विधान है। इसलिए बुजुर्ग लोग हमारे सामने बैठे हैं, उनको पता है कि पहले सतयुग था। पहले क्या था? सतयुग लगता, अर्थात ब्राह्मण ने जो बोला वही विधान। फिर द्वापर युग आया, अर्थात कुछ हद अधिकार दिए गए द्वितीय चरण के वर्ग को। ब्राह्मण क्षत्रिय को कहा कि तुम पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ा नहीं सकते। क्षत्रिय के साथ भी भेदभाव हुआ है, पढ़ सकता है लेकिन वो पढ़ा नहीं सकता। अगर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या पता पढ़ने वाली कौम को अस्त्र शस्त्र चलाना अगर पढ़ा देता तो हमारी कौम भी लड़ाकू हो जाती। उसका भी अधिकार काटा। तीसरा त्रेता युग आया तो तृतीय वर्ण के कुछ अधिकार दिए। वैसे को कहा तुम पैसा रख सकते हो, व्यापार कर सकते हो, लेकिन तुम भी पढ़ा नहीं सकते और अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते। जैसा कि डीएनए आधारित वैसे के पास अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, तो आज तक क्या भारत में
आईपीसी के तहत किसी थाने में कभी देखा कि वैश्य जाति का कोई आदमी थानों के चक्कर काटता हुआ दिखाई दिया? नहीं दिया। अर्थात उसको भी इतना ही पाबंद किया हुआ था। फिर शूद्र वर्ण में दो वर्ग थे, एक छूत एक अछूत। छूत नाई का काम है बाल काटना, तेली का काम है उनके घर पे जाकर कार्य करना। यादव अहीर कुणबी थे चमोली, सारे लोग उनके घरों में जाते, गाय बकरी चढ़ाना भेड़ चढ़ाना सारा काम करते। फिर अछूत, अछूत यानी अभी वर्तमान में संवैधानिक भाषा का शेड्यूल कास्ट अछूत। फौजाराम जी राणा साहब बता रहे थे जंगलों में रहने वाले लोग अछूत। अरे इनके साथ तो कोई भेदभाव हुआ ही नहीं, भेदभाव तो छूत जाति के साथ हुआ जो स्पर्शी कौन थी। इन सभी जातियों को बाबा साहब ने दंड विधान में दंड लिखा हुआ था, उसको संविधान में समानता बराबरी का हक दिया। कैसे दिया? 340 आर्टिकल में सबसे पहले उन छूत को ओबीसी को अधिकार दिया। लोग कहते हैं बाबा साहब तो ऐसी आड़ा नेता है, आपकी भ्रांति आपके दिमाग में भूल है। बाबा साहब ने सबसे पहले अन्य बैकवर्ड कास्ट की जातियों को 340 एक्ट के माध्यम से अधिकार दिए, हक दिए। फिर शेड्यूल कास्ट को 341 से दिए, फिर शेड्यूल ट्राइब को 342 से दिए। समानता का अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, नौकरी पाने का, पढ़ाई करने का, शिक्षा अधिकारी बनने का, और उसी शिक्षा के अधिकार से, समानता का अधिकार से भारत में महिलाएं राष्ट्रपति बन गई, प्रधानमंत्री बन गई। और तो और उस पाखंडवाद को धक्का देकर उसको गिराते हुए भारत की महिला चंद्रमा पे जाके आ गई, केवल मात्र भारत के संविधान से। साथियों अभी कुछ मंच से साथी बोल रहे थे कि हमें पढ़ने वाले बच्चों को जय जयकार के नारे झंडे बैनर नहीं उठाने चाहिए। आपको इस बात से भी आश्वस्त कराना चाहूंगा कि नौकरी लगे हुए लोग क्या इस मिशन को बचाने में सक्षम हो रहे हैं? आप चाहती हो कि हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नीति निर्माता बने, लेकिन आपको इतनी भी जानकारी ये भी नहीं है कि भारत में संविधान के दायरे में हक अधिकार प्राप्त करने वाले युवा बच्चे जो लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंच जाते हैं उनका वाइवा से नंबर काट के पिछवाड़े धकेल दिया जाता है, वाइवा लगाया जाता है जाति देखकर। लेटरल एंट्री के माध्यम से आपको आईएएस आरएएस आईपीएस बनाने से वंचित किया जा रहा है, और हम बात करते हैं कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं। गैर बराबरी की स्थापना कौन कर रहा है? हम तो हमारे जीन में हमारा जय मूल निवासी।